बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी आपको कितना प्यारा खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है, पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला हम सब को जो है अपनी इस कुदरत को देख के उसकी अल्लाह अज़्ज़ वजल की वाहदानियत और अल्लाह अज़्ज़ वजल की कुदरत का नज़ारा करके अल्लाह अज़्ज़ वजल की बात पर यकीन जो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नारान का गान जो है वो आमद हुई है और बहुत खूबसूरत मंजर है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अल्लाह के फजल से बहुत खूबसूरत है। नारान का गान, कश्मीर, ये इलाके जो है अल्लाह के फजल से, कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं कि यहाँ दहशतगर्दी है, ये है, फलां है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। ये पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक खूबसूरत इलाका है और जो है आप यहाँ आएँ और आप दुनिया के जिस कोने से भी ताल्लुक़ रखते हैं आप यहाँ आएँ, आप देखें कि अल्लाह के फजल से हर बंदा जो है यहाँ मिलनसार है, हर बंदा जो है यहाँ अच्छे तरीके से पेश आने वाला है। कोई किसी किस्म का किसी को टॉर्चर करने वाला नहीं, कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं है। अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान जिस तरह इसका इलाका खूबसूरत है, इसी तरह यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला के फजल से सारे लोग जो हैं वो मदद करने वाले हैं, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। कुछ लोगों के बुरे हरकत की वजह से, बुरे कामों की वजह से सबको बुरा कह देना, ये जो है वो किसी अच्छे बंदे का काम नहीं हो सकता। हाँ, हर जगह जो है वो बुरे लोग पाए जाते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं आपको अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। पाकिस्तान में भी इस तरह ही है, लेकिन आप जो है वो यहाँ आएँ और अल्लाह के फजल से आप देखें अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी कैसी कैसी जो है वो कुदरत जो है अल्लाह अज़्ज़ वजल की यहाँ मौजूद है। ये देखें पीछे कितना प्यारा मंजर आपको नज़र आ रहा है अल्लाह के फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सब को जो है अपने मुल्क की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम नलदर वैली में पहुंच आए हैं। अल्लाह ताला के फजल से आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत मौसम है और कितना प्यारा जो है मंजर है और ये पानी जो है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पानी बहता हुआ, ये पानी की आप शारे हैं अल्लाह ताला के फजल। अल्लाह ताला आप सबको भी यहाँ ले आए। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे अल्लाह के फजल से। और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इस पानी के बारे में कि अगर ये पानी अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम्हें अताना फरमाए तो कौन है जो तुम्हें ये ठंडा पानी ला के दे। अभी हमने ये पानी पिया है तो अल्लाह के फजल से माशाल्लाह बहुत ही ठंडा और मीठा पानी है ये। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो अपनी कुदरत को देख के अल्लाह ताला हम सबको जो है वो इसे नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उलुल अल्बाब में से बना दे, उन लोगों में से बना दे कि जो उसकी आयतों को देख के उसमें गौर व फिक्र करने वाले हैं।
کائنات کی سب سے طاقتور چیز جو ہے وہ یہ پانی ہے جو بہ رہا ہے، جو ہر چیز جو ہے وہ بہا کے لے جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں اس کی نعمتوں کو یاد کرنے کی. قرآن پاک میں آتا ہے کہ واما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. اور ایک جگہ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میری نعمتوں پر تو میں یہ نعمتیں بڑھا دوں گا. اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے اس کی نعمتوں پر. اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمانے والا ہے. یہ خوبصورت منظر دکھا دیں جی ان کو، پھر انشاءاللہ عزوجل بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے اللہ کے فضل سے کتنا خوبصورت منظر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس پانی جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.